सिंगरौली जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में अवैध रेत का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा। यहां बेधड़क तरीके से रेत माफिया खुलेआम रेत का परिवहन करते हैं। सैकड़ों वाहन रेत से ओवरलोड होकर पुलिस के सामने से निकल रहे हैं, लेकिन इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। सिंगरौली जिले में इन दिनों रेत के अवैध कारोबार ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जब से रेत का ठेका सहकार ग्लोबल कंपनी को मिला है, तब से उसे लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। करोड़ों रुपए की बोली लगाकर कंपनी ने ठेका तो ले लिया, लेकिन अवैध उत्खनन से परेशान होकर ठेकेदार को कोतवाली पुलिस सहयोग नहीं कर रही। उल्टा कोतवाली पुलिस का दावा है कि क्षेत्र में अवैध रेत का उत्खनन और परिवहन पूरी तरह से बंद है। हालांकि सूत्रों का कहना कुछ और ही है। दबी जुबान में लोगों का कहना है कि पुलिस की मिलीभगत से अवैध रेत का कारोबार बड़े पैमाने पर चल रहा है। इधर अवैध उत्खनन पर कार्रवाई करने के लिए कई बार खनिज विभाग मन बनाता है, लेकिन बल की कमी के चलते कार्रवाई नहीं हो पाती है। लगातार इसमें प्रयास किए जा रहे हैं। रात्रि में भी गाड़ी पकड़ी गई थी, उसके पहले भी गाड़ियां पकड़ी गई है, पीछे तो 50 की संख्या में भी गाड़ी पकड़ी गई थी, 70 गई थी। और लगातार इसमें कार्रवाइयाँ टास्क फोर्स के माध्यम से, माइनिंग के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से जारी हैं। और इसमें लगातार आज ही मीटिंग थी टास्क फोर्स की, जिसमें ये निर्णय लिया गया कि और भी सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। इसमें माइनिंग की टीम का पुलिस के द्वारा भरपूर सहयोग भी किया जा रहा है, वो आवश्यक कार्रवाई भी कर रहे हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।